नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक और एनकाउंटर को अंजाम दिया है। यहां पर 1.25 लाख रुपए के इनामी बदमाश गुफरान को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। गुफरान पर 13 मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार कौशाम्बी जिले के समदा इलाके में मंगलवार सुबह 5 बजे पुलिस और गुफरान में मुठभेड़ हुई। एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के अपराधी गुफरान को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से 9 mm की एक कार्बाइन, 32 बोर की एक पिस्टल और अपाचे बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे 7 मामलों में गुफरान वांछित था। एडीजी प्रयागराज की ओर से गुफरान पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उधर सुल्तानपुर पुलिस की ओर से भी 25,000 का इनाम गुफरान पर रखा गया था। गुफरान पर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिलों में दोस्तों गुफरान पर 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। बीते कुछ महीने पहले अप्रैल में प्रतापगढ़ में एक ज्वेलर को गोली मारकर दोस्तों सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि लूट करके निकलते हुए फायरिंग करने वाला युवक गुफरानी था और आज दोस्तों एनकाउंटर में मारा गया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी पुलिस ने एक और दोस्तों एनकाउंटर कर दिया है और दोस्तों इस मुठभेड़ में दोस्तों गुफरान की मौत हो गई है। बता दें कि अतीक अहमद के बाद में लगातार एक के बाद एक माफिया का अंत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर माफियों में दोस्तों डर पैदा हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर सुनता रही है। बता दें कि अभी 2 महीने पहले ही डॉन अतीक अहमद की हत्या कर दी है, जिसके बाद पूरे यूपी में हाहाकार मच गया था। इस समय यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब